पुराने संसद भवन से 5 दिवसीय विशेष सत्र का आगाज हुआ। कल से नए संसद में चलेगी सत्र की कार्यवाही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को G20 की सफलता के लिए बधाई दी। कहा G20 में लिए गए फैसले परिवर्तनकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया। पुराने संसद भवन को छोड़ने की बात पर कहा भावुक पल। लोकसभा में अपनी पहली एंट्री को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा सदन में पहली बार आया तो मत्था टेक कर आया। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी याद किया। कहा देश ने नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी को खोया तो दुख हुआ। आज मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा है व्रत। प्रयागराज में महिलाओं ने हरतालिका तीज पे लगाई पवित्र गंगा में डुबकी। पतियों की लंबी उम्र के लिए मांगा आशीर्वाद। महाराष्ट्र समेत देशभर में जोर शोर से गणेश उत्सव की तैयारियां। चतुर्थी 2 दिन होने के कारण कल तक होगी गणपति की स्थापना। कोलकाता में की जा रही है गणेश उत्सव की भव्य तैयारी। खास बात यह है कि यहां चंद्रयान 3 की थीम पे सजाया गया बाबा का दरबार। दिल्ली के पीतमपुरा में 7 दिवसीय श्री रुद्र चंडी अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। ढोल नगाड़े के साथ शिवबारात की मनमोहक झांकी निकाली गई। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ शांतिनिकेतन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा देश के साथ बांग्ला के लिए ये गौरव की बात। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से जुड़ी 4 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। आज चीफ जस्टिस कोर्ट में दोपहर करीब 2 बजे सुनवाई होने की उम्मीद। साउथ दिल्ली में मनाया गया एवरग्रीन हीरो देवानंद का 100वां जन्मदिन। एयरफोर्स ऑडिटोरियम में सजी गीतों की महफिल। संगरूर में 55,000 छात्रों की अनोखी शपथ। परिवार में पराली ना जलाने और नशे से परिजनों को दूर रखने का संकल्प लिया। दमदार जीत के साथ एशिया कप विजेता बना भारत। सिराज की सुनामी में बिखर गई श्रीलंका की टीम। 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 10 विकेट से जीती टीम इंडिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत 22 से 24 सितंबर तक लखनऊ में प्रवास करेंगे। अवध प्रांत के पदाधिकारी और प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। बारां पहुंची बीजेपी की पवित्र परिवर्तन संकल्प यात्रा। कई जगह यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। एमपी में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत हुई। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। केरल में निपा वायरस को लेकर राहत की खबर। कोझिकोड जिले में नहीं आया कोई नया मामला। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बादल की लुकाछिपी जारी। कई इलाकों में बारिश की संभावना। उज्जैन में शिप्रा नदी के उफान पर आने से बाढ़ का मंजर। कई मंदिर जलमग्न हुए। गुजरात के मही सागर में बाढ़ के पानी से मही नदी उफान पर। बोरसद के गंभीरा गांव के निचले इलाके से एनडीआरएफ की टीम ने 17 लोगों का रेस्क्यू किया। राजस्थान में मौसम और जलभराव को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट। जालौर और सांचौर जिलों के स्कूलों में की छुट्टी की गई। गुजरात के भरूच में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।